हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट शटडाउन। तो आज हम बात करेंगे पीसी को एक अलग तरीके से शटडाउन करने की। अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड मोड पे लगाते हैं या उसमें टाइम ज़्यादा लगना होता है, 1 से 2 आवर्स का टाइम लगना होता है, तो उसे बाद में जाकर शट डाउन करना पड़ता है, तो उसमें आप टाइमर भी लगा सकते हैं। 1 या 2 आवर्स के बाद वो अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा। तो इसे करने के लिए आपको सबसे पहले अपने विंडो पे विंडो के होम स्क्रीन पे राइट क्लिक करना है। वहाँ पे आपको न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद आप शॉर्टकट पे जाइए। शॉर्टकट पे जाने के बाद वहाँ पे शॉर्टकट देने के लिए दे देगा। वहाँ पे आपको शट डाउन स्पेस माइनस एस डालना है, फिर उसे आपको स्पेस माइनस टी डालना है, फिर स्पेस देके आपको जितना भी टाइम देना है, मैंने यहाँ पे 3600 दिया है, मतलब कि 1 घंटे का। तो यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हैं टाइमर आपको 1 या 2 आवर्स नहीं लिखना है, ऐसे आपको काउंट करके लिखना है। इस टाइप का आप देख के ओके कर दीजिए। उसके बाद फिनिश करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आना है। वहाँ पे आपको शट डाउन के आपको जिस भी नेम से सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। फिर ये हो जाएगा। यहाँ पे आप आइकन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। तो यहाँ से आप इसे आइकन भी लगा सकते हैं। आप आइकन चेंज करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाइए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपको चेंज आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा। चेंज आइकन पे जाने के बाद आप किसी भी आइकन को चूज़ करके इस पर आइकन लगा सकते हैं। देखिए, इस टाइप से यहाँ से आपको ओके कर देना है। फिर आपको चेंज आइकन पर जाना है। यहाँ से आप किसी भी आइकन को चूज़ करके आइकन लगा सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको ओके कर देना है। मैंने ये वाला चूज़ किया है। ये देखिए, इस टाइप से। फिर ओके कीजिए। फिर ये देखिए, लग गया इस टाइप से।